को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा रविवार को डूंगरपुर जिले के आसपुर में पत्रकार संघ के एक दिवसीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जिला अध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के पोंचपुर में 21 फरवरी रविवार को पत्रकार संघ के तत्वाधान में जार के जिला कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह, आसपुर पत्रकार संघ की शपथ ग्रहण व जिले के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें जार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, प्रदेश महासचिव संजय सैनी, उदयपुर जार के जिलाध्यक्ष नानालाल आचार्य, चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष विवेक वैष्णव, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष विवेक उपाध्याय व बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष शैलेंद्र बोहरा सहित प्रदेश संभाग व जिले के कई मीडियाकर्मी उपस्थित रहेंगे। पोंचपुर से जितेंद्र सेवक की रिपोर्ट। अधिवेशन को लेकर किसी क्या तैयारी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आसपुर पत्रकार संगठन के तत्वाधान में कल सवेरे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पत्रकार संगठनों कई संगठनों को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसे लेकर जार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमने हमारे द्वारा बुलाया गया है। जो आसपुर पहुँचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा और जिले के समस्त संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्हें यहाँ पर उपस्थित होने का न्योता दिया गया है। इधर डूंगरपुर राजस्थान के बेणेश्वर मंडल के साबला परिसर में स्थित हिंगलाज वाटिका भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दो दिवसीय अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को 5 सत्र में विभाजित किया गया। पहले सत्र की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुमार सिंह, भारतेंदु व्यास, दूसरे सत्र की गजेंद्र सिंह चौहान व तीसरे सत्र की डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, नीरव जोशी, दीनदयाल सिंह ने की। प्रभारी बाबूलाल श्रीमाल, वहीं सभी सत्रों का संचालन संयोजक महेश चंद्र चौबीसा ने किया। शिविर में प्रशिक्षक के रूप में आशीष आर चौबीसा, प्रकाश उपाध्याय, भरत मेहता, चेतन मेहता मौजूद थे। शिविर का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में उपस्थित मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का पाग व दुपट्टा और माला से सम्मान किया गया। साबला से आशीष चौबीसा की रिपोर्ट। कार्यकर्ता जब तक विचारों से कट्टर नहीं हो जाता, जब तक विचारों से कट्टर नहीं होता, तब तक वो सही मन से पूरे अपने सामर्थ्य के अनुसार संगठन में काम करने के लिए भी नहीं जाएगा। सीधी और सरल और स्पष्ट बात करो कि प्रशिक्षण वैचारिक भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसका इतिहास क्या है, ये 9 सब्जेक्ट जो आपको प्रशिक्षण वर्ग में दिए हुए हैं। मैं मानता हूं कि 9 सत्रों पर यदि किसी कार्यकर्ता ने अच्छी तरीके से यदि सुन लिया या उस सत्र को पढ़ लिया, मैं वो जनता के बीच में जाएगा, किसी भी बात का जवाब दे सकता। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं अभी वर्तमान की परिस्थितियों को मात्र 1 मिनट के लिए अपने विषय पर आना चाहता हूँ कि आपने कभी बीटीपी के कार्यकर्ताओं से कभी उनके बारे में चर्चा की होगी, उनका जो बौद्धिक स्तर है, उनका जो बौद्धिक स्तर है वो अपने कार्यकर्ताओं के मुकाबले 100 गुना अधिक है, 100 गुना अधिक है, समझ लेना उनका जो बौद्धिक स्तर है वो। आप उनके सामने बोलने में यदि वो वस्तु पूछेंगे या किसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे, अपन कहीं नहीं ठहरते उनके सामने। मैं लगभग 10 कार्यकर्ताओं से बीटीपी से वर्तमान में जिला परिषद जो चुनाव लड़े आजाद कला सुबह से, इतना जबरदस्त उनका बौद्धिक स्तर है, ऐसा आप मानो किसी भी विषय को लेकर, क्योंकि उनको चुनाव से पहले उनको सबको प्रशिक्षित किया गया। यहाँ तक पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव को बकायदा 20 से 22 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। उनको बौद्धिक स्तर इतना पावरफुल किया जाता है कि वो किसी भी को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। हम भी ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश राष्ट्र अपने सरकार की योजनाओं को लोगों तक के माध्यम। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।